ये लीजिए सर आपका बिल। अरे पापा आप रहने दीजिए, आज पार्टी तो मेरी तरफ से थी ना, तो मैं पे करूंगी। श्योर? हाँ ठीक है बेटा। ये लो। तुमने इसे कार्ड फेंक के क्यों दिया? पापा आप नहीं जानते इन जैसे लोगों को। आपको पता लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ आए थे तो इन लोगों ने हमें डिस्काउंट भी नहीं दिया था, तो मुझे गुस्सा आया था इस पर। डिस्काउंट नहीं दिया मतलब? तो क्या इनके साथ बदतमीजी इसलिए करोगे तुम? नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन जैसे लोगों को सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। हाँ भाई सबक तो सिखाना पड़ेगा। ये लीजिए मैम आपका कार्ड, पेमेंट हो गई। चले पापा। बेटा ये जरा दे, ये कोई मैसेज आया है। पापा मैं बिजी हूँ अभी, बाद में आना, आप जाओ यहाँ से। बेटा देख तो बैंक से आया कोई मैसेज। पापा आपको समझ नहीं आता है ना, बार बार आए जा रहे हो, आप जाओ यहाँ से प्लीज। बेटा अब तो फ्री हो गई, आप देख ले जरा। पापा आपको एक बार बोलकर समझ नहीं आ रहा है, मैं बाद में देख लूंगी, परेशान क्यों कर रहे हो मुझे। बेटा मैंने पता करा लिया है। अरे तेरे कॉलेज से था मैसेज, आज लास्ट डेट थी तेरी फीस की। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी, पापा आपने फीस भर दी ना। कैसे भरता, तुझे मैसेज देखने के लिए कह रहा था, तूने तो देखा नहीं और मुझे कुछ समझ आया नहीं। लेकिन पापा मेरी फीस। मैं क्या करूं भाई, हैं अब तो लास्ट डेट गई। तो पापा आप लेट फीस भर दो ना। अरे ऐसे कैसे भर दूं, अब फीस जमा कराऊंगा तो साथ में पेनल्टी भरनी पड़ेगी, मेरे पास नहीं इतने डबल डबल पैसे भरने के लिए। लेकिन पापा मेरे कॉलेज का क्या होगा? क्या होगा मैं क्या बताऊं, तू अगर उस समय एक बार देख लेती तो मैं उसी समय फीस जमा करा देता और ये पेनल्टी से भी बच जाते। लेकिन पापा। लेकिन क्या, मैं नहीं भर सकता डबल डबल पैसे, और अगर सारे पैसे मैंने भर दिए तो घर का खर्चा कैसे रहेगा, और रामू का आगा की तनख्वाह, काम वाली बाई के पैसे, वो सब कहाँ से आएंगे? पापा आप ना एक काम कर दीजिए, आप उनको एक महीने की छुट्टी दे दीजिए और घर के जितने भी सारे काम हैं मैं कर दिया करूँगी, और जो आप उनको पैसे देते हैं वो मुझे दे देना, मैं कॉलेज की फ़ीस भर दूँगी। सोच लो सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ पापा मैं कर लूँगी, वैसे भी घर का काम करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। वो तो ठीक है, पर पक्का ना? पक्का पापा। ठीक है सोचते हैं अभी। बेटा काम कर रही है कुछ? अरे नहीं पापा कुछ काम था, आपको बताओ। ये ना डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, तो सामने वाली मार्केट से एक मेडिसिन ला देना बेटा, केमिस्ट से। अच्छा ठीक है पापा ले आती हूँ। ये लीजिए पापा आपकी दवाई। बेटा एक काम करोगे, इस मेडिसिन के बाद ना मुझे थोड़ा दलिया खाना है, तुम्हारी माँ यहाँ होती तो दलिया बना देती, वो तो मायके जाके बैठ गई है, क्या तुम बना पाओगे दलिया? हाँ हाँ पापा ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं बना ले आती। शाबाश बेटा। ये लीजिए पापा आपकी दलिया। बेटा सफाई नहीं की अभी तक? पापा साफ सफाई का काम तो काम वाली का है, वो कर देंगी। क्यों तूने तो कहा था घर का सारा काम मैं करूंगी। हाँ ठीक है पापा मैं भी थोड़ी देर में कर दूंगी। हाँ बेटा कर देना। हाँ तूने सफाई नहीं की अभी? पापा एक बार ये सीरियल देख लूं उसके बाद पक्का कर लूंगी। तुझे फीस के एक्स्ट्रा पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? पापा आप तो पीछे ही पड़ गए, बोला ना अभी थोड़ी देर में कर दूंगी। आप खुश हैं? आप सारे काम कर लिए मैंने। बहुत बढ़िया बेटा, मुश्किल तो नहीं था ना कुछ? नहीं नहीं आसानी था। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटा एक काम करेगी, एक कप चाय तो बना के ला दे। ठीक है।
ठीक है पापा, लाती हूँ। पापा, मैंने आपसे थोड़े से पैसे क्या मांग लिए? आपने तो मुझे नौकरानी बना दी है, क्या करेंगे आप इतने पैसे जमा करके? बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। पापा, अगर मेरे लिए है तो इतना सारा काम क्यों करवा रहे हैं आप मुझसे? थोड़े से ही तो पैसे मांगे मैंने आपसे, दे दीजिए। हाँ तो दे देंगे, अरे काम तो करो बेटा। पापा, ये सब ना नाटक है आपका, जब मैं खुद पैसे कमाने लग जाऊंगी ना तब देखना आप। अरे तब की तब देखेंगे, अभी तो चाय बना के ला। पापा चाय। हाँ बेटा, एक काम कर रहा, घर के बाहर ना बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा, एक तो उसे साफ कर ले, फिर उसके बाद ना छत पे चली जाना, कपड़े सूखे डाले थे ना बेटा, बारिश का मौसम हो रहा है, उन्हें उतार ला, कहीं ऐसा ना हो फिर से खराब हो जाए। और उसके बाद ना स्लैब के ऊपर देखा तूने किचन पे कितना कचरा पड़ा है, उसे भी बेटा साफ कर लेना। हाँ पापा, वो मैंने सारे काम कर लिए हैं, कॉलेज की फीस दे दीजिए अब। हाँ देता हूँ। ये ले। पापा अभी क्या कर रहे हैं, पैसे फेंक के क्यों दिया आपने? फेंक के क्यों दिए? इसलिए कि मुझे तेरा काम नहीं पसंद आया? नहीं नहीं पापा, मैंने सारा काम अच्छे से किया है और बहुत मेहनत से किया, आप ऐसे किसी की मेहनत को गलत नहीं बोल सकते, ये उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है। अच्छा, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं है इसलिए मैंने पैसे फेंक के दिए, और तुम्हें अब रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट का अंतर पता लगा? और तुमने जो उस दिन उस वेटर के साथ किया था वो क्या था? वो उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं थी? अरे उसने तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं दिया तो तुमने उसकी इंसल्ट कर दी, वो उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं थी? बोलो। सॉरी पापा, मैंने शो आपके चक्कर में उस दिन वो वेटर के साथ बदतमीजी करी, और आपके साथ भी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं आज के बाद हर इंसान की इज्जत करूँगी। ठीक है बेटा, देर से ही सही, तुम्हें कल तो आई, ये माफ़ी जो तुम मुझसे मांग रही है ना बेटा, उस वेटर को भी तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसकी मेहनत को आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, समझे बेटा? हाँ पापा, मैं कल ही उससे माफ़ी मांगने जाऊँगी। बहुत अच्छा बेटा। बिल लाने में हमेशा लेट हो जाते हैं ना। हाँ पापा। ये लीजिए मैम आपका बिल, आपके 500 रुपये हो गए। मैं दूँ या? अरे नहीं पापा, लास्ट टाइम मैं दे देती। ये लीजिए भैया। मैम ये 200 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। अरे नहीं नहीं भैया, आप रख लीजिए, आपकी मेहनत की कमाई है। रख लो बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और भैया उस दिन के लिए सॉरी, मैंने आपके डिसरिस्पेक्ट करी और आपके साथ बदतमीजी करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं मैडम, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ यही काफ़ी है मेरे लिए। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी किसी की ना डिसरिस्पेक्ट मत किया करो, क्योंकि हमारे दिल को ठेस पहुँचती है। हाँ भैया, मैं आज के बाद इस बात का पक्का ध्यान रखूँगी। हैव अ गुड डे। चलो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तो कभी भी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करें, हमेशा एक दूसरे का साथ दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।